सो फ्रेंड, अगर आपके पास अभी भी कागज़ वाला आधार कार्ड है या आपका आधार कार्ड खो चुका है या ख़राब हो चुका है, तो किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो नया PVC आधार कार्ड आया है जो कि पूरा प्लास्टिक का होता है, उसको किस तरह से आपको ऑर्डर करना है, पूरा प्रोसेस आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को गो सब्सक्राइब हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने फ़ोन के गूगल के अंदर। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है UIDAI। सर्च करने के बाद जो आपको पहला वाला वेबसाइट दिख रहा होगा uid.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑर्डर आधार PVC कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक होगा जो कि आपके आधार से लिंक होगा तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पे ऑर्डर आधार PVC कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर देने के बाद फिर से आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे माय नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दे देना है, ये मैटर नहीं करता कि वो नंबर आपसे आपके आधार से लिंक होगा या नहीं, आपको कोई भी नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, तो फिर उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई हेयर कन्फर्म दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड टू पेमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ₹50 का पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हमको करना है UPI से, तो मैं UPI पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमको करना है फ़ोनपे से, तो मैं फ़ोनपे क्लिक करूँगा। उसके बाद अपना UPI ID डालूँगा। UPI ID डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड वाले पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन ऊपर देखने को मिलेगा, तो आपको अपना फ़ोन पे खोल लेना है। फ़ोन पे खोलने के बाद आपको यहाँ पे करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग यहाँ से ₹50 का पेमेंट करेंगे। पेमेंट यहाँ से सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से आएंगे और फिर मेरा जो PVC आधार कार्ड है वो यहाँ से ऑर्डर हो चुका है, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे लिख रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको नीचे कैप्चा डालने के लिए बोल रहा है। कैप्चा डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड एक्नोलॉजमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड अगेन वाले पे क्लिक करना है और इसको आपको ड्राइव के अंदर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्लिप देखने को मिल जाएगा जो आपने ऑर्डर किया है, पेमेंट का स्लिप है और यहाँ पे SRN नंबर और रिसिप्ट डेट दिया गया है। तो इस तरह से आप PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो।